डे फोर पर पहले इंडियन बॉलर्स की घातक गेंदबाजी के सामने हुए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ढेर, फिर ट्रेविस हेड की शानदार बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में जीत की उम्मीद दिखाई, पर आखिर में टीम इंडिया ने पर्थ के इस मैदान पर रच दिया है इतिहास। गाइस, आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट टेस्ट मैच का डे फोर खेला गया, जहाँ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा की कमाल की बॉलिंग देखने को मिली। अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट टेस्ट मैच के डे फोर की पूरी हाइलाइट्स की बात करें तो डे थ्री के अंत तक इंडिया के दिए हुए 534 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 12 रन पर 3 विकेट खो दिए थे, जहां मैक्सवेने को जसप्रीत बुमराह ने 0 पर LBW आउट कर दिया था, कमिंस को सिराज ने 2 रनों पर पवेलियन भेज दिया था, वहीं मार्नस लेबुशेन को बुमराह ने 3 रनों पर LBW आउट कर दिया था। आज डे फोर के फर्स्ट सेशन की शुरुआत में क्रीज पर मौजूद थे उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ, जहां फर्स्ट सेशन के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को 4 रनों पर आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब स्टीव स्मिथ का साथ देने आए ट्रेविस हेड, जहां दोनों प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को संभाला और 18वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 50 के पार भी पहुंचा दिया। 21वें ओवर में ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के बीच 50 प्लस रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, जहां इस पार्टनरशिप में ट्रेविस हेड ने एग्रेसिव बैटिंग की थी, वहीं स्टीव स्मिथ डिफेंसिव मोड में थे। जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 79 रन था, तब स्टीव स्मिथ आउट हो गए, जहां स्टीव स्मिथ को मोहम्मद सिराज ने 17 रनों पर पवेलियन भेज दिया, जहां अब ट्रेविस हेड का साथ देने आए मिचेल मार्श। 29वें ओवर में दोनों प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया, जहां डे फोर के फर्स्ट सेशन के अंत के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर 30 ओवर्स के बाद, जहां ऑस्ट्रेलिया को अब भी जीत के लिए 430 रनों की जरूरत थी। अगर सेकंड इनिंग्स में मैच समरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड 63 रनों पर नॉट आउट थे, वहीं मिचेल मार्श 5 रनों पर नॉट आउट खेल रहे थे। वहीं इंडिया की ओर से सेकंड इनिंग्स में मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए, वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट हासिल किए थे। डे फोर के सेकंड सेशन में जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 129 रन था, तब ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, जहां सेकंड सेशन में मिचेल मार्श काफी एग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे और मिचेल मार्श ने सेकंड सेशन में 2 सिक्स भी लगा दिए थे। 37वें ओवर में मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 150 के पार भी पहुंचा दिया। जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 161 रन था, तब जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को 89 रनों पर आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 161 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जहां अब मिचेल मार्श का साथ देने आए एलेक्स कैरी। वहीं ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट 182 रनों पर गिरा, जहां नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छा खेल रहे मिचेल मार्श को 47 रनों पर बोल्ड कर दिया, जहां अब एलेक्स कैरी का साथ देने आए मिचेल स्टार्क। और गाइस, अब ये पर्थ टेस्ट मैच पूरी तरह इंडिया के कंट्रोल में था, जहां अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 352 रनों की जरूरत थी, जो कि एक नामुमकिन बात थी। तो गाइस, इस पर्थ टेस्ट मैच में इंडिया की जीत का असली हीरो कौन सा प्लेयर है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।